हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? तो वेनम 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड आपका अपना अर्जुन पांडे इज हेयर टू रिव्यू इट फॉर यू। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है टॉम हार्डी से, जो कि पिछले टाइम हमने जब उनको देखा था तो वो स्पाइडर वर्स में थे, एक सॉर्ट ऑफ पार्टी वेयर में थे और स्पाइडर मैन के बारे में पता कर रहे थे। वो अब वापस आ चुके हैं अपने खुद के यूनिवर्स में और ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो उन्हीं क्लोथ्स में हैं और किन्हीं गुंडों का सामना कर रहे हैं। और थोड़ा सा फन भी होता है कि वी आर वेनम, हमें इस डायलॉग पे काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद सीन कट होता है मॉर्डो पे। मॉर्डो जो कि हम जानते हैं एक फेमस कैरेक्टर है, वो सेम पर्सन इसमें एक सोल्जर का कैरेक्टर निभा रहे हैं जो कि यहाँ पे सिम्बियोट्स को हंट करता है, और जितने सिम्बियोट्स उसने हंट किए हैं उनकी झलक भी हमें ट्रेलर में दिखाई गई है। फिर से हम वेनम पे वापस जाते हैं। वेनम टॉम हार्डी के साथ थोड़ा फंग कर रहा है, मिसेस चैंग के साथ डांस कर रहा है और वो टॉम हार्डी को ये भी बता रहा है कि भैया हमारे प्लैनेट से बाकी सिम्बियोट्स को हमारा पता चल गया है और वो आ रहे हैं। और हम ट्रेलर में देखते हैं कि कुछ मीटियोर्स धरती की तरफ आ रहे हैं, जो हो सकता है ये सिम्बियोट्स ही हों। अब ये चीज़ें तो एक्चुअल मूवी आने पे कंफर्म होगी, बट मोस्ट लाइकली या तो ये सिम्बियोट्स आ चुके हैं और इन्हें मॉर्डो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, या ये अभी जस्ट आए हैं और एक बहुत बड़ी वॉर की शुरुआत होने वाली है। ट्रेलर में हम एक क्रिएचर को भी देखते हैं जो कि वेनम पे अटैक कर रहा है। ये टॉक्सिन हो सकता है, बट कई हाई चांसेस भी हैं कि ये कोई एनिमल टाइप का सिम्बियोट है जिसने किसी क्रिएचर यानी एनिमल को काबू में कर रखा है। तो दोनों से लड़ रहे होते हैं, एक प्लेन दबाव हो रहा होता है, हाई ऑक्टेन एक्शन दिख रहा होता है। कट टू हम ये भी देखते हैं कि डिटेक्टिव मुलिगन अभी जिंदा है और कैप्टिव है, यानी कि उनके बंधक में है। सूत्रों से पता चला था कि डिटेक्टिव मुलिगन, जो कि वेनम 2 के अंदर इम्पैक्ट हुए थे सिम्बियोट से, वो टॉक्सिन का कैरेक्टर प्ले करेंगे जो कि वन ऑफ मेजर वेनम विलेंस है। तो कार्नेज के बाद इस मूवी में टॉक्सिन का आना 100% श्योर है एंड हो सकता है कि इसको आर्मी यूज़ करे वेनम को हंट करने के लिए। इसके बाद जब स्टोरी आगे बढ़ती है, वेनम कहीं तो डेजर्ट में है, उसको एक घोड़ा दिखता है, कहता है क्या ट्राई करें, एंड एक्चुअली वो घोड़े को वेनमी फाई कर देते हैं, यानी वेनम उस पर काबू करता है एंड भाई क्या उड़ते हैं वो। ज़बरदस्त ट्रेलर की एंडिंग होती है। ट्रेलर इज़ superb, it's really good, high on octane, high on action, जैसे ट्रेलर्स होते हैं सोनी के। हमें ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है कि स्टोरी में मेन विलन कौन होगा, स्टोरी का मेन डेप्थ क्या होगी, स्टोरी लाइन क्या होगी। बस ये पता चलता है कि हाँ, टॉक्सिन मेन विलन हो सकता है, एक क्रिएचर भी है वेनम टाइप का जो कि वेनम पे अटैक कर रहा है और वेनम पे पूरी की पूरी आर्मी पीछे पड़ी हुई है उसे कैप्चर करने के लिए। मैन, वेनम थोड़ी मुश्किलों में फंस चुका है, बट हमको पता है कि वो बच जाएगा। वेनम 3 इस सीरीज की आखिरी मूवी होने वाली है, बट हम इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज ये ट्रिलॉजी एक हाई एंड पे, एक लास्ट डांस पे एंड होगी, और इसीलिए शायद इसका नाम है वेनम 3 द लास्ट डांस। एंड नो बेटर देन मिसेस चैन, जो कि हर मूवी की शान रही हैं। अगर आपने भी ये ट्रेलर देख लिया है दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप वेनम 3 को लेके एक्साइटेड हैं। अगर आपकी कोई थ्योरी है विलन को लेके या ट्रेलर को लेके, तो वो भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसे डिस्कस कर सकें। आई होप आपको अपना ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम, लव यू ऑल, दिस इज़ अर्जुन पांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।